Hello students, today we will continue our revision of the chapter number 15. Last video में हमने graph से related दो examples देखे थे, ठीक है? आज हम आगे के questions इसके cover up करते हैं. We will start from exercise 15.1, question number 1. Question number 1 is, the following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. एक हॉस्पिटल में आपको पेशेंट हैं, उनके टेम्परेचर रिकॉर्ड करके ग्राफ की फॉर्म में दिए हुए हैं. आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM. एक बजे पेशेंट का टेम्परेचर क्या था. अब आप देखिए, सबसे पहले तो हम ग्राफ देखते हैं. ये हमारे पास एक्स एक्सिस है एंड ये हमारे पास वाई एक्सिस. इस तरीके से हमारे पास दो एक्सिस गिवन है, ठीक है. यहाँ देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, किंक फॉर्म किया हुआ है. क्यों किंक बनाया हुआ है? बिकॉज देखिए, यहाँ हम जीरो से शुरू करते हैं, जीरो से 34 है, देन 1 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है. तो टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया, बिकॉज स्टार्टिंग में 34 था, देन 111 था, इसलिए किंक बनाया गया है. टाइम देख लीजिए, 9 है, 10 है, 11 है, 12, 1, 2, 3, इस तरीके से आपको टाइम है गिवन है, ठीक है. अब इन्होंने बोला है एक बजे कितना टेम्परेचर था. एक यहाँ पर है, एक बजे जब आप स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, टेम्परेचर यहाँ देखिए हाईलाइटेड है ऑलरेडी, 36.5. वह एक बजे कितना टेम्परेचर था, 36 और 37 के बीच में होगा, कितना टेम्परेचर था, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था एक बजे पेशेंट का, ठीक है. सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कब था. 37 यहाँ है, 38 यहाँ है, 38.5 यहाँ होगा. इसके सामने आप देखिए कितने बजे आएगा, 12 बजे. तो 12 बजे एग्जैक्ट पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा, ओके. अब आपसे थर्ड पार्ट पूछा जा रहा है. थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट इज द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम टू टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन. व्हाट वर दीज टू टाइम्स. दो बार जो पेशेंट का टेम्परेचर था ना, वो बिल्कुल सेम था. अब आपको बताना है कौन से वो दो टाइम थे. आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे, ग्राफ के अंदर जब आप ग्राफ देखेंगे, एक बजे भी 36.5 था, दो बजे भी 36.5 था. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जहाँ हमारी फॉर्म होगी, स्ट्रेट लाइन जा रही है. तो हम बता सकते हैं बिटवीन 1 and 2 PM द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट वॉज सिमिलर, ओके. आप चाहें तो बता भी सकते हैं, दैट इज 36.5 and 36.5 डिग्री, ओके. नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोला है आपसे, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट वॉज द टेम्परेचर एट 1:30 PM. हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर. आप अपने आंसर पे कैसे पहुंचे हो, और बताना है 1:30 बजे टेम्परेचर कितना था, ठीक है, 1:30 PM पे. अब हम ग्राफ ही देखेंगे इसमें दोबारा. देखिए 1 PM यहाँ है, 2 PM यहाँ है, दैट मीन्स 1:30 के बीच में होगा. अब 1:30 पर भी टेम्परेचर कितना है, सेम ही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, 36.5. तो आप बता सकते हो एट 1:30 PM द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट वॉज 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके. और इन्होंने पूछा है आप कैसे पहुँचे हो अपने आंसर्स पर, एज बिटवीन 1 to 2 PM द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट वॉज सेम, दैट इज 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड. अभी हमने बताया था फर्स्ट, ऊपर वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट से 1 से 2 बजे तक जो टेम्परेचर था बिल्कुल सेम था, तो 1:30 पर भी सेम ही रहा होगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड. ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ कितने बजे तक वो दिखा रहा है, कौन कौन से पीरियड्स पर, ठीक है. तो हम जब इसका ग्राफ देखेंगे, यहाँ पर 9 से 10 में 35.5 से 36 पहुँचा, लेकिन 10 से 11 में देखिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चढ़ा है, 36 से डायरेक्ट 39 हुआ है. तो यू कैन से 10 बिटवीन 10 AM to 11 AM इट शोज़ एन अपवर्ड ट्रेंड फ्रॉम 36 to 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके.
यहाँ पर भी वैसे तो ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर जा रहा है, यहाँ पर भी ऊपर जा रहा है, लेकिन हाईएस्ट ट्रेंड कहाँ दिखा रहा है? यहाँ पर 36 to 39, बिटवीन 10 to 11। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए ईयरली आपको सेल्स दिखाई गई हैं। व्हाट वर द सेल्स इन 2002? 2002 में सेल्स कितनी थी? अब आप ग्राफ से अगर देखें, यहाँ आपको ईयर्स दे रखे हैं, 2002 में इतनी थी, 3 में इतनी थी, 4 में इतनी थी, 5 में इतनी थी, 6 में इतनी थी, एंड सेल्स आपको करोड़ रुपीज़ में दे रखे हैं, इन रुपीज़ करोड़, है ना। तो अगर आप लिखेंगे भी तो इन करोड़ लिखेंगे। आपको क्या बताया है, पूछा है 2002 में कितनी सेल्स थी, तो आप ग्राफ से देख सकते हैं 2002 में कितनी सेल्स थी आपके पास, 4 करोड़। 4 पे ही यहाँ पे है, तो द सेल इन 2002 वर 4 करोड़ रुपीज़। ओके, सिमिलरली 2006 का पूछा है, 2006 का बता देंगे, 2006 में कितनी थी, यहाँ से आप ग्राफ से देखें 8 करोड़, तो द सेल्स इन 2006 वर 8 करोड़ रुपीज़। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वर द सेल्स इन 2003? 2003 में कितनी थी? अब 2003 में देखिए, 6 नहीं है, 8 नहीं है, इसके बीच में है, बिल्कुल मिड में है, तो 6 एंड 8 के मिड में क्या हो जाएगा, 7। सो यू कैन राइट इन 2003 द सेल्स वर 7 करोड़। ओके, सिमिलरली 2005 में जब आप देखेंगे, 2005 में कितनी है, यहाँ पे 10 करोड़, द सेल्स इन 2005 वर 10 करोड़ रुपीज़। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 एंड 2006 के बीच के जो सेल्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसे आप लिखेंगे कैसे, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये थर्ड पार्ट है, इसमें आपको बताया है सेल्स इन 2002 दैट इज 4 करोड़, है ना, एंड इन 2006 यू विल राइट सेल्स इन 2006 विल बी 6 करोड़ रुपीज। 2006 में 6 ही थी, सॉरी 8 थी, है ना, अभी ग्राफ से देखा था हमने। नाउ इन्होंने पूछा है डिफरेंस, तो आप लिख देंगे डिफरेंस इज इक्वल्स टू 6, 8 करोड़ माइनस 4 करोड़, दैट इज 4 करोड़ रुपीज। ओके, ये इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। इन्होंने नेक्स्ट में पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, इन विच ईयर वॉज देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। अब कितना ज़्यादा डिफरेंस, सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन से ईयर की सेल में है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए 2002, हम इसके लिए क्या करेंगे, इनके सबके रिकॉर्ड्स लिख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, हमारे पास क्या है, सेल्स इन 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006, यही है हमारे पास। अब हम देख सकते हैं 2002, उसमें हमारे पास सेल्स थी 4 करोड़, ठीक है। 2003 में हमारे पास सेल्स थी 7 करोड़, 2004 में हमारे पास सेल्स थी 6 करोड़, 2005 में हमारे पास सेल थी यहाँ पे 10 करोड़, एंड 2006 में हमारे पास सेल्स थी 8 करोड़, ये हमारे पास सेल्स थी, ठीक है। अब इन्होंने डिफरेंस पूछा है, यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंस 3 का था, यहाँ डिफरेंस आपके पास 1 करोड़ का था, यहाँ डिफरेंस आपके पास आया 4 करोड़ का, एंड यहाँ डिफरेंस आया 2 का। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस 4 करोड़ कहाँ पे दिखा आपको, 2004 to 2005। सो यू विल राइट द डिफरेंस वॉज ग्रेटेस्ट बिटवीन द 2004 एंड 2005, दैट इज यू कैन राइट दैट इज 4 करोड़। आप चाहें तो 10 करोड़ माइनस 6 करोड़ यहाँ पे लिख भी सकते हैं इस तरीके से।
ओके, ये क्लियर है क्वेश्चन यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर सेज द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक. हर वीक का जो फोरकास्ट है टेम्परेचर का और एक्चुअल टेम्परेचर है वो आपको बताया गया है. फोरकास्ट प्रिडिक्टेड, दैट मीन्स आपने प्रिडिक्शन की है इस तरीके से हो सकता है, एंड एक्चुअल जो रहा. ठीक है, अब आपसे ये बताया गया है इस ग्राफ में. देखिए यहाँ पे क्या बताया है आपको, क्लियरली मेंशन है फोरकास्ट डॉटेड लाइन में है, एक्चुअल हमेशा स्ट्रेट लाइन में. यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी आप ग्राफ खुद प्लॉट करते हैं तो अगर दो चीज़ों का करना है, उसमें कोई एक्चुअल चीज़ बता रहे हो तो उसके लिए आप स्ट्रेट लाइन ही हमेशा कंसीडर करेंगे, एंड कोई प्रिडिक्शन है या आपकी कोई अजम्पशन है तो उसके लिए आप हमेशा डॉटेड लाइन का यूज़ करेंगे. ठीक है, अदरवाइज वो आपकी चॉइस है, आप कोई सी भी लाइन ले सकते हैं. ठीक है, अब इन्होंने आपको बताया है मंडे का ग्राफ दिया है फोरकास्टेड एंड एक्चुअल, ट्यूसडे का दिया है, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन, हर वीक का, आपको हर डे का इन्होंने टेम्परेचर गिवन है. ठीक है, अब आपसे पूछा है ऑन विच डेज वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर. जो फोरकास्टेड टेम्परेचर है वो एक्चुअल टेम्परेचर से कब सेम है ये आपको बताना है. देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मंडे को था 15, फोरकास्टेड एक्चुअल था 15 से जस्ट ऊपर 17.5. ट्यूसडे को सेम था, फोरकास्टेड जो था वही एक्चुअल था. ठीक है, तो ट्यूसडे को सेम था, एंड आप देख सकते हैं फ्राइडे को. ठीक है, तो यू कैन राइट ऑन ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज was the forecast temperature the same as the actual temperature, क्योंकि इन दो ही दिनों में था, सॉरी थर्ड में संडे में भी था. ठीक है, तो आप लिखेंगे ऑन ट्यूजडे, फ्राइडे एंड संडे द फोरकास्ट टेम्परेचर वॉज सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा है व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक. इस पूरे हफ्ते में जो फोरकास्टेड है, फोरकास्टेड मतलब आपको एक्चुअल वाली लाइन को दो मिनट के लिए इग्नोर कर देना है. तो आपसे पूछा गया है फोरकास्ट टेम्परेचर में मैक्सिमम टेम्परेचर कब था. यहाँ देखिए 15 था, देन 20 था, यहाँ पर वेडनेसडे में हाई तो हुआ था, लेकिन इससे भी ज़्यादा हाई, सबसे ज़्यादा हाई यहाँ पर है, दैट इज़ 30 डिग्री. और कौन से डे में है वो, सैटरडे में. तो आप लिखेंगे द मैक्सिमम फोरकास्ट वॉज 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक ऑन सैटरडे. ओके, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यू विल राइट, दिस इज सेकेंड पार्ट, द मैक्सिमम टेम्परेचर वॉज 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन सैटरडे ड्यूरिंग द वीक. ठीक है, यह द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर आप कह सकते हो यहाँ पे. यहाँ पे आप फोरकास्ट टेम्परेचर भी मेंशन कर सकते हैं, फोरकास्टेड का ही पूछा है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने आपसे पूछा है व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक. अभी आपसे फोरकास्ट का मैक्सिमम पूछा था, एक्चुअल वाले में आपसे मिनिमम टेम्परेचर इन्होंने पूछा है. अब जब आप यहाँ एक्चुअल वाला देखेंगे, एक्चुअल वाले यानी स्ट्रेट लाइन हो गई, अब डॉटेड लाइन को आप एक मिनट के लिए इग्नोर करेंगे. मिनिमम मींस सबसे कम, यहाँ देखिए हाई है, हाई है, यहाँ पर मिनिमम है. ठीक है, यहाँ पर भी मिनिमम है, यहाँ पर है आपके पास 15 डिग्री एंड ये भी 15 डिग्री, यहाँ पर है 15 से ज़्यादा. तो आप बता सकते हैं इन दोनों डेज में ही मिनिमम था. तो आपसे पूछा गया है मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर कब था, कहाँ था, ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे द मैक्स मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर वॉज 15 डिग्री सेंटीग्रेड. सेम एज जैसे आपने सेकेंड पार्ट किया था, आप बस मैक्सिमम की जगह मिनिमम कर देंगे. द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक वॉज 15 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन थर्सडे एंड ऑन फ्राइडे. ओके, नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है ऑन विच डे द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर. सबसे ज़्यादा डिफरेंस एक्चुअल और जो फोरकास्टेड है उसमें कहाँ है. देखिए मंडे को था ये 17.5
एंड ये 15, तो यहाँ पे तो हो गया 2.5 का डिफरेंस. आप चाहो तो यहीं पे लिख लो, है ना. ट्यूसडे को सेम था, वेडनेसडे को 30 था एंड देन 25 था, तो 5 डिग्री का डिफरेंस हो गया. थर्सडे को कितना था, ये 22.5 था, ये 15 था, तो ये 7.5 का हो गया. फ्राइडे को सेम था, सैटरडे में हमारे पास जो डिफरेंस है यहाँ पर 30 था एंड 25, यानी 5 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस था. देखिए वैसे भी जब हम ग्राफ देख रहे हैं तो एक्चुअल हमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग गैप इनके बीच में ही दिख रहा है ना. तो यू कैन राइट ऑन थर्सडे द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर, दैट इज आप बता भी सकते हैं 7.5 डिग्री. ये ना भी बताना चाहें तो भी कुछ नहीं, अब आप चाहें तो आप बता सकते हैं. यहाँ तक क्लियर है. नाउ रेस्ट ऑल क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे. थैंक यू.